hello everyone welcome to our classes in this video we are going to start chapter motions exercise solutions in the previous video students i have uploaded uh, in-text solution of the same chapter motion so let us uh, start the exercise solutions first question on your screen is an athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds what will be the distance covered and the displacement at the end of two minutes twenty seconds? Right. So this is the question. So, student, uh, before starting the solution, I will request that please, if you are new in the in this channel, then please subscribe the channel, and if you find it helpful, then please share with your friends also. So the solution. Now, again, we will understand the question. The question is: This is a circular track. This is a circular track. an athlete completes one round if athlete starts from this point and this is going in a circular path and this is reaching in the same point means initial and final points are same the diameter of this track is 200 meter 200 meter right and this 200 meter this athlete is completing in 40 seconds so this is the time this is diameter. You will solve the question according uh, according to the format. Essay. First, you will write and then after that, you will write uh, what we have to find out. So, given me, uh, diameter is given, time is given, and we have to find out distance and displacement in two minutes twenty seconds. In two minutes twenty seconds, both.

फिर ये सेकेंड राउंड फिर ये थर्ड राउंड अभी थर्ड राउंड ही हैज़ कंप्लीटेड एंड नाउ ही इज स्टार्टिंग फोर्थ राउंड तो फोर्थ राउंड में ये जाएगा एंड इट विल स्टॉप हाफ ऑफ द सर्कल एट दिस पॉइंट तो अभी uh, जो पॉइंट हमको मिलेंगे वो ये दो पॉइंट मिलेंगे मीन्स इट विल लुक लाइक दिस कि ये ए से लेके और बी यहाँ तक ठीक है इतना इतने पार्ट का तो so, ये जो है हमारा इट विल हेल्प इन टू फाइंड आउट डिसप्लेसमेंट अदरवाइज अगर ये फोर राउंड्स करता पूरे तो फिर से ये यह यहाँ पे आ जाता मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन विल बी सेम इन इन दैट केस डिसमेंट विल बी जीरो ठीक है वेन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम डिसमेंट इज जीरो इनिशियल फाइनल सेम होता है जब इक्वल होता है तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है इन दिस केस हमारे पास सेम नहीं है इट इज़ कवरिंग हाफ द सर्किल सो नाउ वी विल स्टार्ट द एट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट डिस्टेंस डिस्टेंस होता है टू पाई आर मीन्स जो आपका सर्कम है तो वन राउंड में uh, um, जो कवर कर रहा है टू पाई आर कवर कर रहा है और हमारे पास सी डायमीटर तो हमारे पास है ऑलरेडी 200 मीटर तो डायमीटर इज़ टू आर तो यहाँ पे टू आर की जगह हम 200 लिख लेंगे ठीक है तो so, जो डिस्टेंस हमारा है इन वन राउंड इट इज़ पाई टू आर मीन्स 3.5 राउंड में मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से और कैलकुलेट करेंगे देन दिस इज द आंसर ये डिस्टेंस निकला है अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है हमको तो डिस्प्लेसमेंट में आप क्या लिखेंगे 3.5 राउंड है इसका मतलब थ्री कंप्लीट राउंड प्लस वन हाफ राउंड वन हाफ राउंड का मतलब है यहाँ से ए से लेकर और बी तक का हमको इनिशियल इन वन वे दिस इज द पोजिशन एंड फाइनली ये यहाँ पे पहुँच रहा है तो दिस इज द पोजिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज टू आर टू आर कितना है हमारा टू हंड्रेड मीटर सो दिस इज क्वेश्चन इज जोजेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 हंड्रेड मीटर रोड इन टू मिनट्स थर्टी सेकंड एंड देन टर्स अराउंड एंड जॉक्स हंड्रेड मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर वन वट आर जोजेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी एट फर्स्ट वी विल ड्रॉ द पाथ एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट्स इन द क्वेश्चन सो इन द क्वेश्चन वट दे आर सेग दैट अ बॉय इज़ जॉगिंग फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी एंड द टोटल डिस्टेंस इज थ्री हंड्रेड मीटर दिस पार्ट ही इज कवरिंग इन टू मिनट्स फिफ्टी सेकंड एट फर्स्ट यू विल कन्वर्ट टू मिनट्स फिफ्टी सेकंड्स इन टू सेकेंड्स तो ये वन हंड्रेड सेवेंटी सेकेंड्स मिलेगा अगेन देन टर्ंस अराउंड अब ये टर्ंस अराउंड ये बैक आ रहा है दोबारा से और ये बैक आ रहा है एंड इट जॉग्स हंड्रेड मीटर बैक टू दी पॉइंट सी सो द बॉय इज़ रीचिंग टू दी पॉइंट सी विच इज़ हंड्रेड मीटर फ्रॉम दिस डिस्टेंस बी सो फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी सो फॉर एवरेज स्पीड वी नीड डिस्टेंस एंड फॉर वेलोसिटी वी नीड डिसप्लेसमेंट सो एट फर्स्ट वी विल फाइंड फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए टू बी स्पीड सो फ्राम ए टू बी स्पीड Speed is equal to total distance upon time interval. So, uh, point, from the point A to B, the total distance is 300 meter divided by time interval is 170. 00, zero will get cancelled. 30 divided by 70 is 1.76 meter per second. So, this is the average speed from point A to B. Now, velocity because uh, motion is a straight line motion, then average velocity will also be same like average speed so displacement divided by time interval here displacement is also uh, 300 meter time interval is same again the value of average velocity will be same for point a to b now the next is uh, in the question they are asking find they are asking to find a to c average speed and velocity so a to c average speed we will check c a to b it is 300 meter and then b to c it is 100 meter means uh, from the point a to c the distance is 400 meter so the distance is 400 meter time interval is uh, 230 why we are taking 230 because from uh, b to c when it is coming back b to c it it, uh, it is taking 1 minute more 1 minute matlab ki it is taking uh, this is 170 seconds and then 60 केंड्स मोर देखिए यहाँ पे ओके okay, ओके okay, हाँ हेयर ए टू बी यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्लीट ए टू बी 300 मीटर अगेन ए टू सी 100 मीटर मोर देन ए सॉरी बी टू सी 100 मीटर मोर मीन्स ए टू सी 400 मीटर इन दोनों को ऐड कर देंगे सेम वे जो टाइम है हमारा ए टू बी टाइम इज 170 हंड्रेड सेवेंटी सेकेंड्स बी टू सी सिक्सटी सेकंड्स मोर मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए टू सी के लिए ए टू सी के लिए जो टाइम होगा दैट इज टू हंड्रेड थर्टी सेकंड टू हंड्रेड थर्टी सेकंडस लेंगे हम डिस्टेंस के लिए भी वी विल कैलकुलेट एंड वी विल गेट एवरेज स्पीड फॉर वेलोसिटी डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी माइनस बी सी सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी वर्स थ्री हंड्रेड मीटर माइनस ब सी इज हंड्रेड मीटर मीन्स टू हंड्रेड मीटर सो फॉर डिसप्लेसमेंट वी विल टेक डिस्टेंस टू हंड्रेड मीटर डिवाइडेड बाई टाइम and this is the average velocity third question is abdul while driving to school computes the average speed of his trip to be 20 kilometer per hour now abdul is going school home to school so home to school because there is traffic so he is acquiring a speed 20 kilometer per second but when is when he is coming back from school to home there is less traffic so the his average speed is 30 km per second now we have to calculate what is the average speed of abdul's trip means abdul when he is going uh, to school from home when it is going to school and then he is coming back the total trip to the school and back to the home टोटल ट्रिप का एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अब्दुल फ्रॉम होम टू स्कूल स्कूल टू होम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल सो बोथ वैल्यूज़ आर नॉट गिवन सो वी विल टेक बिकॉज डिस्टेंस इट इज गिविंग दैट रूट इज सेम इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट रूट इज सेम सो वी कैन टेक एक्स kilometer uh, for the distance and then when he is coming back to the home again we can take it x kilometer so total distance is x plus x plus time interval when he is going home to school a b point le sakte hai, isko b b a point b so uh, from home to school time interval is home to school time t a b plus school to home time t b a right now from a point to b point means from home to school speed is equal to distance upon time speed is given 20 kilometer per hour means tb is equal to x divided by 20 seconds so this is the one equation why we are taking tb because because time is different for um, one trip and different for another trip so we are taking values uh, with respect to time Distance because root is same and, and distance is same. So, both the distances we can calculate, we will get 2x by getting 2x and by putting values of time, we can uh, both the x's will get cancelled. So, we are taking uh, uh, equations with respect to time. So, t time a to b means home to school is equal to x divided by 20. So, this is one equation again for uh, school to home school to home average speed was 40 speed is equal to distance upon time distance is x time is tba means back home this is the time tba is equal to x divided by 40 now what we will do to find out average speed we will put values of tab and tba in the equation first and we will calculate the average speed so from both the equations of time टी ए बी प्लस टी बी एज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी प्लस एक्स बोध वी विल एड बोथ दैल्यूज़ तो फाइनली वी विल गेट वैल्यू ऑफ टी ए प्लस टी बी ए इज इक्वल टू दिस तो वी विल पुट दिस वैल्यू इन टू द इक्वेशन वन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टू एक्स डिवाइड बाई बोथ द टाइम दोनों रूट का टाइम है दिस इज़ थ्री एक्स डिड बाई फोर्टी फोर्टी ऊपर जाएगा इट विल्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और जो हमको मिलेगा टू इंटू फोर्टी डिवाइड बाई थ्री so this is the average speed now next question is a motor boat is starting from rest on a lake accelerates in a straight line in the constant rate of 3 meter per second square for 8 second how far does the boat travel during the time now fourth question answer four the fourth question a motor boat is starting from rest so the values given are motor boat is starting from rest rest means jo initial velocity that, that is 0 initial velocity is 0 on a lake accelerate in a straight line motion acceleration hora is 3.0 meter per second square and time is also given t is 8 second how far find out karna hai. how far does the boat travel during this time. So, uh, these are the values. So, at first uh, we will check that uh, which equation of motion we can apply in this question. So, the values given u at u at if these are the values if we think about equation 1 v is equal to u plus at but in this equation s is absent. If you will this is equation 1 equation 2 equation 3. If you will think about equation 3 is equal to 2 as. S, s is equation may be here, but in this equation time is missing. So, we will take second equation of motion which is s is equal to ut plus half at square. So, all the variables we need present in the second equation. As we have to find out u is 0 into time is given 8 plus half a is 3 into time is given 8 ka square. So, into three into S is equal to two, three is a two, is a, three into thirty two is equal to three to the six, three is a ninety six meter. So this is the answer. Now, this is the fifth question. अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट फिफ्टी टू किलोमीटर पर आवर अपलाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेरेट नॉर्मली एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन सो इन द केस वन देयर इज़ अ ड्राइवर इन दिस केस इनिशियल वैल्यूसिटी इज फिफ्टी टू किलोमीटर पर आवर और इंटू कर देंगे फाइव डिवाइड बाई एटीन से तो दैल्यू विल गेट कन्वर्टेड इन टू मीटर पर सेकेंड दिस इज़ फोर्टीन पॉइंट फोर फोर मीटर पर सेकेंड टाइम इज़ गिवन फाइव सेकेंड Car stops in 5 seconds. Another driver, this is case 2. Another driver going at 3 kilometer per hour, 3 kilometer per hour. Again, we will convert. This is 0.83 meter per second. And when the driver applies brakes, it slow down hota hai, and it, it, it stops in 10 seconds. So time is 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus uh, time graph for the two cars, which of the two cars travelled farther after the brakes are applied. तो फाइंड आउट क्या करना है हमको फार्दर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फार्दर हमको करना है फाइंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बोथ द केसेस तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप एरिया अंडर स्लोप होता है दैट एरिया इज डिस्टेंस आई रिपीट स्पीड टाइम सॉरी दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया हमारा अंडर स्लोप होता है दैट इज डिस्टेंस सो एट फर्स्ट वी विल प्लॉट द ग्राफ एक्स एक्सिस दिस इज द एक्सिस टाइम एक्सिस एंड दिस इज द स्पीड एक्सिस टाइम एक्सिस में हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे सेकेंड्स इक्वल डिस्टेंस में ग्राफ पेपर में आप लेके इसको ड्रॉ करेंगे एंड देन वन टू थ्री फोर अप टू जो भी वेलोसिटी कैलकुलेट करके आ रही है वहाँ तक तो फोर्टीन पॉइंट फोर मैक्ममम है तो हम फिफ्टीन तक इसमें ले लेंगे ठीक है आफ्टर दैट फॉर द फर्स्ट केस ये वाला जो केस है फर्स्ट केस में हम करेंगे डिस्टेंस क्या है एरिया अंडर स्लोप सो 14 पॉइंट फोर्टीन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड इधर आएगा थर्टी नहीं है फोर्टी नहीं है इस वाले पॉइंट पर आएगा फोर्टीन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड ब्रेक अप्लाई करा तो कितने में रुक रहा है ये फाइव सेकेंड्स में रुक रहा है तो फाइव सेकेंड ये है हमारा तो एक हम यहाँ पे लाइन इस पर ड्रॉप करेंगे ठीक है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये आप देख रहे हो वैसे भी देखो ऐसे रुकेगा ये ब्रेक लगा के बट स्पीड के टर्म में ले रहे हैं तो हम स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो एक तो हो गया फर्स्ट केस ये सेकंड केस देखते हैं सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो पॉइंट एट थ्री मीन्स ये हमारा वन है वन के भी यहाँ पे नीचे अभी चूँकि मेरा छोटा सा है इट इज़ नॉट प्रिसाइज तो यू विल ड्रा बिग मीन्स दिस ग्राफ यू विल ड्रॉ ऑन अ बिग पेपर सो यू विल ड्रॉ प्रिस ये वन से थोड़ा सा नीचे आएगा जीरो ये तो हमारा वेलोसिटी एक्सिस पे वेलोसिटी है और टाइम कितना है टेन सेकेंड तो हमको एक ऐसा ट्राइंगल मिलेगा ऐसा ट्राइंगल मिलेगा हमको ऐसे ऐसे ठीक है तो so, ये हमको ट्राइंगल मिल रहा है से. ऐसे ऐसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल और दोनों को हमने कैलकुलेट कर देना बस हमको डिस्टेंस मिल जाएगा इन द फर्स्ट केस डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप दैट इज़ ट्राएंगल ऑफ ओ ए तो इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ कितना इसका एल्टीट्यूड है हाइट कितना है इसका और बेस कितना है सो बेस इज फाइव इंटू इसका जो हाइट है दैट इज फोर्टीन पॉइंट फोर फोर तो कैलकुलेट करके इतना मीटर आएगा सेम फॉर दिस ट्राइंगल एरिया में बेस टेन आएगा हाफ इंटू टेन इंटू ये ज़ीरो पॉइंट एट थ्री ऐसे तो so लिखना है हमको ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप और एरिया अंडर स्लोप कौन सा एरिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी है एंड देन वी विल कैलकुलेट फॉर सिक्स क्वेश्चन फॉर दिक्स क्वेश्चन शोज द डिस्टेंस दिस फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट ए बी सी स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो क्वेश्चन दिया है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द थ्री इज़ ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट तो ए बी और सी में कौन सा फास्ट ट्रैवल कर रहा है तो आप देख रहे हो टाइम कितना बी बी कितना टाइम लेस देन 1.6 पॉइंट आवर्स में ये हाँ आपका लार्जेस्ट टाइम जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे देखो कम टाइम में अब ज़्यादा स्टीप स्लोप दिख रहा है हमको तो ये बी जो है हमारा ये फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा सेकेंड क्वेश्चन है आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड तो रोड पे ए बी सी क्या कभी सेम पॉइंट uh, पे हैं? नहीं सेम पॉइंट पे तीनों एक साथ नहीं है दो दो तो एक साथ हैं जैसे ये दो जो लाइन्स हैं हमारी बी और ए इस पॉइंट पे साथ हैं फिर ये बी है और ये हमारा सॉरी ये बी है और ये ए हमारा इस पॉइंट पे साथ में और ये सी है ये सी और बी का पॉइंट है एक साथ लेकिन तीनों साथ में नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड वेन बी पासिज ए बी ने जब ए को पास किया ए ये ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं बी ने जब ए को पास किया यहाँ पे तो सी कहाँ पे था कहाँ पे था सी और जूम करके देखते हैं ये देखते हैं तो जब क्वेश्चन है कि जब बी पासिस ए ने ए को पास किया इस पॉइंट पे पास किया ठीक है इस वाले पॉइंट पे। ये है ए और बी तो सी कहाँ पे था सी था यहाँ पे कहाँ पे था सी इस पॉइंट पे था सी तो सी अप्रोक्सीमेटली इस वाले पॉइंट पे था मींस अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ये जो पी में था इसके अकॉर्डिंग ये एट किलोमीटर पे है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है यहाँ पे तो वो नाइन किलोमीटर पे आएगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ये एट किलोमीटर पे सी कितने पे है एट किलोमीटर डिस्टेंस पे है उस पॉइंट पे डी है हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पास सी जब बी ने सी को पास किया ये सी लाइन है हमारी और ये बी है हमारा इस पॉइंट पे था जब बी ने सी को क्रॉस किया तो बी कितना ट्रैवल कर दिया था बी ने तो बी का बी ने ट्रैवल किया था इतना ये आएगा हमारा इस वाले पॉइंट पे तो इट विल बी अराउंड ये है फोर और ये फोर का गैप है इनके बीच में तो ये हो गया वन टू थ्री फोर का गैप है मतलब कि यहाँ पे मिड में हमारे यहाँ पे फाइव आएगा ये सिक्स आएगा यहाँ पे कहीं सेवन आएगा फिर यहाँ पे एट आएगा तो ये फाइव को क्रॉस कर लिया इसने फाइव और सिक्स के बीच में फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया था ठीक है तो ये इसके क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन से टेक्स्ट बुक से मैच कर लेंगे यहाँ पे इनके आंसर लिखेंगे ऐसे

तो ये बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट हाइट कितना है एस का वैल्यू है ट्वेंटी मीटर हाइट है हमारा ट्वेंटी मीटर इफ इट्स वैलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली वैलोसिटी इंक्रीज इन वेलोसिटी इज टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विद वॉट वेलोसिटी वी हमको फाइंड आउट करना है यू देखो यू रेस्ट पोजिशन पे दैट इज वाई वैल्यू ऑफ यू इज जीरो वी एंड टी फाइंड आउट करना है अगेन वी विल चेक दैट विच इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल use in this question. So, to calculate V we are using this because T is not available. So, we are using the equation where we have V u A s all the values. U is 0. So, V square is equal to 2 A s plus U is square in this case U is. in this case U is 0. 2 A 10 S S 20 meter. So v square is equal to 400, v is equal to under root, 400 is equal to 20 meter per second. To calculate t we, we will take equation of motion, first equation of motion. So to calculate k again we will put the values and, the, and we will get time. Now 8th question, speed time graph for a car is shown in this figure.

तो बिकॉज ऑफ कर वी के नॉट इट अ ट्राइंगल हम ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालेंगे ये कम निकलेगा आप निकाल के देखना उतना नहीं निकलेगा बिकॉज वी आर लीविंग फ्यू स्क्वायर्स तो हमको क्या करना है इसमें कि हमको पहले एक स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब एक इसकी ये जो ग्राफ में ये है एक एक स्क्वायर ये है ना एक स्क्वायर इसकी वैल्यू तो इसका वाई एक्सिस एंड इसका एक्स एक्सिस इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है मतलब ये वाला जो एक्सिस होगा दिस इज टाइम एक्सिस और इतना जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है हमारा स्पीड तो इतने छोटे से पार्ट के लिए स्पीड कितनी आएगी और इतने के लिए टी कितना आएगा फिर हम क्या करेंगे जो भी वैल्यू आएगी इसकी एक स्क्वायर की उसको हम कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं उस सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे करना है ये तो फॉर द क्वेश्चन एट वी हैव टू फाइंड आउट इन ए सक्शन डिस्टेंस एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज़ ये जो एक्सिस है दिस इज स्पीड एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे कि एक स्क्वायर का कितना क्या वैल्यू है तो जीरो से लेकर टू के बीच में कितने स्क्वायर हैं फाइव स्क्वायर हैं जीरो से लेकर टू के बीच में मतलब फाइव स्क्वायर टू सेकेंड्स को डिनोट करता है तो एक स्क्वायर कितने सेकेंड्स को डिनोट करेगा टू डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्ल टू जीरो पॉइंट फोर सेम फॉर वैलो सिटी तो वैलो सिटी में तीन स्क्वायर ये प्रजेंट कर रहा है जीरो से लेकर टू मतलब टू जो है टू मीटर पर सेकेंड को थ्री स्क्वायर प्रजेंट कर रहा है तो so, तीन स्क्वायर टू टू मीटर पर सेकेंड तो एक स्क्वायर कितने को प्रेजेंट कर रहा है टू डिवाइड बाई थ्री मीटर पर सेकेंड को तो so, ये जो एक स्क्वायर है इसका ये वाला पार्ट जीरो पॉइंट फोर है और ये वाला पार्ट टू डिडेड बाई थ्री मीटर पर सेकेंड है so, इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे पहले तो so, इसका एरिया हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो इसलिए मीटर स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि जो इसका वैल्यू है वो मीटर पर सेकेंड है और जो इसका वैल्यू है वो सेकेंड है सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा हमको मीटर मिलेगा ये तो मीटर है ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अंडर कर्व सिक्सटी थ्री है ये काउंट कर लेने हैं और एक का एरिया हमारा ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स सिक्स कैल्कुलेट होकर आया तो सिक्सटी थ्री स्क्वायर का एरिया कितना होगा हमने उससे मल्टीप्लाई कर देना है तो इतना वैल्यू आएगा इसका सिक्सटीन पॉइंट सेवन सेवन मीटर नाइन क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है समझेंगे कॉन्सेप्ट्स स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव द एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी तो ये पॉसिबल है क्या कि वेलोसिटी अगर जीरो हो बिल्कुल वेलोसिटी नहीं है दिस इज अगजाम्पल जब हम क्या करते हैं यहाँ पे यहाँ पे ड्रा करती हूँ तो ये जो ए वाला एग्जांपल है ये पॉसिबल होता है जब हम स्टोन को वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं इसे ऊपर की डायरेक्शन में इसको थ्रो कर रहे हैं ठीक है तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है मतलब अभी इसको यहाँ से ड्रॉप होना है तो ये हाइस्ट पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होती है इनिशियल यहाँ से आपने थ्रो किया ये तो कोई नंबर होगा वेलोसिटी का सपोज आपने फाइव मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जब ये यहाँ पे पहुँचता है मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी जब होगी जीरो होती है उसके बाद ये नीचे ड्रॉप करेगा तो इन दिस केस मीन्स इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन इज़ हमारा ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है ये बॉडी विद द इतना मीटर स्पीड इन वन सेकेंड मीन्स नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड फील करेगा और वेलोसिटी इस पॉइंट पर जीरो होगी सो दिस इज द केस वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करते हैं जब हम बी है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड कि ये पॉसिबल है क्या कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सलरे एक्सेलरेट तो हो रही है बॉडी लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है चेंज इन स्पीड नहीं हो रहा है ये सर्कुलर मोशन का जो केस होता है उसमें ऐसे होता है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेट हो रही है बॉडी चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है तो चेंज इन डायरेक्शन में भी बॉडी एक्सेलरेट होती है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है देखो स्पीड अगर सर्कल बना रहे हैं हम स्पीड यहाँ पे स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए तो ये सर्कल क्या होगा ये ब्रेक हो जाएगा पाथ यहाँ पे तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा तो इसलिए यूनिफॉर्म होती है स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी सी है ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर एक्सेलोशन होता है टुवर्ड सेंटर सर्कुलर मोशन में और वेलोसिटी होता है हमारे टेंजेंशियल पाथ एक्वायर करेगा मतलब जिस भी पॉइंट पे आप लो इस पॉइंट पे लेते हो तो इस पे जो टेंजेंट बनाता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा अंदर की तरफ लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है एंड आर्टिफिशियल सेटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया हुआ है हमको स्पीड कैलकुलेट करना है टाइम दिया हुआ है तो सर्कुलर पाथ है क्योंकि तो अगेन जो हम स्पीड का फार्मूला लेंगे वो इज़ इक्वल टू सरकम्फरेंस डिवाइडेड बाई टाइम इसमें सिंपल है बस हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा है और कन्वर्जन uh, है इसमें मतलब ये हो जाएगा फोर टू टू फिफ्टी इंटू टेन की पावर थ्री मीटर कन्वर्ट कर देंगे इसको हम ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी मिनट्स में कन्वर्ट हुआ इंटू सिक्सटी सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करना है ये आएगा आपके आप इसको 3.07 किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं और आप इसको 3.07 पॉइंट जीरो सेवन इंटू की पावर थ्री मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं सो ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट ये इन टेक्स्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया है तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है थोड़ा तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और अगर आगे अपडेट्स चाहिए क्योंकि मैं करते रहूँगी अभी एक्सरसाइज सोल्यूशन इनटेक्स सोल्यूशंस अपलोड तो सब्सक्राइब करिए चैनल को थैंक यू